नमस्कार बुलेटिन को आपन को स्वागत करुछि मु स्वागतिका। दिल्ली रे राहुल गांधी को भेटी ओडिसा फेरिले कांग्रेस नेता। ओडिसा फेरिबा परे उत्साहित दलीय नेता नरसिंह मिश्र कहि निरंजन पटनायक संतोष सिंह सालुजा अधिराज मोहन पाणिग्राही राजन एका एवं रमेश जेना ओडिसा फेरिछन्ति। वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र कहिछन्ति सबु नेतांकु एक होइ रहिबाकु राहुल गांधी निर्देश दैछन्ति। श्रृंखला रक्षा करबा सहित एकजुट होइ कार्य करबाकु मध्य परामर्श दैछन्ति। पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक कहिछन्ति आलोचना भलो होइछि। राहुल गांधी बैठक नहीं आग को एकाठी काम करने नुआ पीसीसी सभापति ना खुब शीघ्र घोषणा हो। स्वास्थ्यगत कारण पूर्व इस्तफा दे सारी आसंता 13-15 जाए उदयपुर बस कांग्रेस गुरुत्वपूर्ण बैठक। ओडिशा प्रसंग में उदयपुर विस्तृत भाव आलोचना हो। राहुल गांधी जन जन को भेटी आलोचना करपरी खुब शीघ्र नुआ सभापति घोषणा हो। संतोष सिंह सालुजा गतकाल राहुल सहित ओडिशा कांग्रेस नेता डेढ़ घंटार माराथन आलोचना होता। कांग्रेस विधायक सांसद वरिष्ठ नेता सहित प्राय डेढ़ घंटा धरी आलोचना करते राहुल दलय संगठन दलर स्थिति नहीं राहुल आलोचना कर रेजिग्नेशन तेणु से विषय टी आलोचना है नुआ सभापति जो किए विशेष भाव खुशी जे मोर स्वास्थ्यगत कारण जो जीप चाहूँ बर्तमान फाइनाली प्रोसेस स्टार्टेड केते दिन लगे कौन कर किए हम से कथा कही पार आलोचना से जन जन की कथा किए कौन कही जन कि हिसाब कर आलोचना है वन टू वन कथा समस्त विधायक माने एमपी एवं सीनियर लीडर्स जाइए वन टू वन संगे कथाई शीघ्र शीघ्र अति शीघ्र घोषणा होबारी सेपरेट रिपोर्ट देवे। राहुल जी कार ना पचारु नथिले से डायरेक्ट पचारु थिले कि आपण रो कार चॉइस है केमती काकु कले भल हे समस्त को वन टू वन टॉक कले जे जार जहाँ कहबार थिला संगठन विषय हो कि केमती कांग्रेस मजबूत हे ओडिशा रे से विषय हो जहाँ राहुल जी को आम कहार आम निश्चित रूप से आम आगु कही विधायक मान भितर दे बहुत भल कि सीनियर लीडर मान दे भितर भल राहुल गांधी जहाँ को निष्पत्ति ने पार्टी नेता सोनिया गांधी जहाँ को निष्पत्ति ने आम मन बन सारी जे कांग्रेस को मजबूत करने सब एकजुट होकर कर राजनैतिक आसीपारती अवसरप्राप्त मुख्य शासन सचिव विजय पटनायक विगत किछि दिन धरी विजय को नहीं एभली चर्चा चलता बेले आज भुवनेश्वर विमान बंदर में पीसीसी सभापति सहित विजय आलोचना यह चर्चा को अधिक खोराक जगाई। दिल्ली में राहुल सहित बैठक में जोगदे फेरी निरंजन और कांग्रेस बहु तुंग नेता से ही फ्लाइट में दिल्ली फेरी विजय कहुची दिल्ली में कांग्रेस केन्द्रीय नेता विजय काले साक्षात करते भुवनेश्वर विमान बंदर में निरंजन सहित विजय आलोचना पर विजय कांग्रेस कल्पना जल्पना प्रकाश पाई ए संपर्क में गणमाध्यम विभिन्न प्रश्नर सम्मुखीन होती विजय सांबादिकों प्रश्नर उत्तर में विजय कहते राजनीति में योगदान नहीं संपर्क में जहां किसी कहुई गुजब से कौन प्रकार सत्यता नहीं निरंजन पटनायक सहित बहुत भल संपर्क एमती सबू दलर विधायकों सहित भल संपर्क रही आणु कथबार्ता होबारे कौन मना अच्छी कहते विजय विजय कहते अनेक समय अनेक चर्चा हुए राज्यसभा जी अन्य कुआडे जी एमती केते कौन चर्चा राजनीति केवेबी रुचि नाला यार सुजोग चेष्टा करना जिते बड़े राजनीति कथा उठबे देखा विजय पटनायक स्पेकुलेशन रूमर्स हुए एटा दिस इज वन ऑफ देम। निरंजन पटनायक सहित मोर बहुत भल संपर्क सब एम एल ए सहित मोर भल संपर्क कटिंग अक्रॉस ऑल पार्टीज कथबार्ता हमारे कौन मना कौटी एमती चर्चा हुए केतबेले हुए राज्यसभा जी कुआडे जी बहुत प्रकार चर्चा हुए राजनीति राजनीति पाई मोर केबे रुचि नथिला सुजोग मिले सुजोग पे मुझे चेष्टा भी करनी सी कथा उठिले से देखा उपकूल महाबात्या जेतिक पखाऊची सेतिक बढ़ुची आशंका स्थलभाग न छुईले प्रबल बर्षिब आशा आशंकर उपकूल बासिंदा एवं देखा बात्या संपर्कित खबर
ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଆଶାନୀର ଆଖି। ସକାଳ 9ଟା ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ଏହି ଆଖି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମଛଲିପଟନମ ଡପ୍ଲର ରାଡାରରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ବାତ୍ୟାର ଆଖି। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ 490 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପୁରୀଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ 570 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟା ଆଶାନୀ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଘସି ହୋଇଯିବ ବାତ୍ୟା ଆଶାନୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ହେବ। ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫଳରେ ଖରାଟିଆ ଧାନ, ବିଭିନ୍ନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। 13 ତାରିଖ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର ପାଇଁ 3 ନମ୍ବର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକେତ 2 ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40-50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା କରିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆଶାନୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ। 12 ତାରିଖରେ ଗୋପାଳପୁରଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା 78 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଫଳରେ 12 ତାରିଖ ଯାଏ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଅସ୍ଥାନୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀକାକୁଲମରେ ଆଜି ସକାଳୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗୋପାଳପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରୀ ଏବଂ ଦୀଘାରେ ମଧ୍ୟ ମେଘୁଆ ପାଗ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଷାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପୂରାପୂରି ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। IMD ଯେଉଁ ବୁଲେଟିନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଛୁ। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଜି ଇଭିନିଂ ଠୁ ରେନ୍ଫଲ୍, ହେଭି ରେନ୍ଫଲ୍ ଅରାଉଣ୍ଡ 40-50 କିଲୋମିଟର୍ସ ପର୍ ଆୱାର୍ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ଼ ରହିବ। ଆମର BDOs ମାନେ ପୁରା ଆଲର୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବି ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ବା କଚ୍ଚା ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଇଭାକୁଏସନ୍, ଇନ୍ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଗୋଟେ ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଲନେରେବଲ୍ ପକେଟ୍ସରେ ଲୋକଙ୍କର ଇଭାକୁଏସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ସିମିଲାରଲି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ର 4ଟା ଟିମ୍ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଆସ୍ତରାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଡିପ୍ଲୟ କରିଦେଇଛୁ। ଆମର ରୋଡ୍ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଅର୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଇ ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ର ପୁରା ଟିମ୍ ରେଡି ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ରେଷ୍ଟୋରେସନ୍ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ କରିବୁ। ପୁରୀରେ କେମିତି ରହିଛି ପାଣିପାଗ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପୁରୀରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର। ଅକ୍ଷୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଅଶାନୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉପକୂଳରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି, ପୁରୀରେ ଆପଣ କେମିତି ପାଣିପାଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମୁଦ୍ରର ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆଶାନୀର ପ୍ରଭାବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ତାର ବେଶ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆମେ ପୁରୀ ଉପକୂଳରେ ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ରର ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଢେଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି କୂଳ ମୁହାଁ ହେଲାଣି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଢେଉ ସାଧାରଣ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଥାଏ ଆଜି ତା'ର ଦେଢ଼ ଗୁଣା କୂଳକୁ ଆସିଲାଣି, ଏବଂ ତା'ର ଢେଉର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଢେଉ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ପୁରୀରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ନଗାଧେଇବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଜୁଆରିଆ ରହିଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ସୂଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଇକିଂ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ତା ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ସିବି ଥାନା ପଡ଼ିଛି, ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଜି ଏଠି ମାଇକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଯାବତ ଯଦି କହିବା ପ୍ରାୟ ଦିଗବାଣୀ ଠାରୁ ହୋଟେଲ ଷ୍ଟଲିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପେଟଘଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସିଟି DSP ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଆଶାନୀକୁ ନେଇକରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତା ପ୍ରକୋପ କିନ୍ତୁ ଜୁଆରେ ରହିଥିବାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି? ଆମର SP ପୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଆମର ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଟୋଟାଲ ଯେତିକି ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ସି ବିଚ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆମର ପୋଲିସ, ଫାୟାର, ଲାଇଫଗାର୍ଡ ସବୁ ଡିପ୍ଲୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେୟାର କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ଯିଏ ନମାନିକରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ତ
तो सबु व्यापक व्यवस्था करा जाइछि। हमर एठी बात्यार भय जीवा पर्यंत आमे ये को बीच को एपट स्टॉलिंग पट बीच पुनी पेटकोटा बीच ऑलरेडी छोट पट बीच ताकू केम केम जावन। हाँ आमर अलग अलग टीम अछंती आमर हम एठी दिगवारी ठारु आरंभ करी आमर हंस पकपम पाम स्टॉलिंग पर्यंत एपटे दुईटा सेक्टर आम भाग करछु एवं पेंठकटा को गोटे सेक्टर कराइछि। पेंठकटा पटे सेपटे भी ऑफिसर आउ फोर्स आउ आमर लाइफगार्ड फायर ब्रिगेड रो स्टाफ दिया हेछि एवं आमे एठी ए जो स्वर्गद्वार ठारु स्टॉलिंग पर्यंत गोटे सेक्टर करछु आउ स्टॉलिंग रु दिगवाड़ी जो स्वर्गद्वार रु दिगवाड़ी पर्यंत गोटे कराइछि। दीपटे भाग करिकि आमर पुलिस पेट्रोलिंग जारी रहिब आउ डाकबाजी यंत्र माध्यम रे लोकंकु सचेतनता भी जारी रहिब। पूरी सिटी डीएसपी जहाँ सूचना दौले धनातन पाड़ी और कहते पूरा सतर्क अच्छा आप देख पारे कि ये हूँ पूरी बेलाभूमि जोटिक पर्यटक मानक आवार करता ये जो बैथिंग जोन अच्छी बैथिंग जोन रेड पता लगा जाए कहारी को समुद्र भितर को जीप मना कर देखिपे कि विशेष भाव में अच्छी आप लोग कहाँ से आप लोग जमी गाधिया को मना करा जेतु अशांत अच्छी तो आप मानु ना निश्चय मानुचु कितने ठिया है खाली जा ये करछु आ किछ नै ना सुनले भय लगे भय त निश्चय अच्छा आया अब अत्या त आछु कहउ जने पुलिस सतर्क करउ छी आ माने आछु किंतु सबुद कोले ठिया है कि जा एन्जॉय करछु आ भितरे पसि पर नै आ गया आपन देखुथले कि पर्यटक माने मध्ये ऊपर रहउछन्ते एवं संपूर्ण आपन देखुथिबे कि बड बड ढेउ रहै छी एवं ता सहित संपूर्ण आबे आपन देखुथिबे ता दृश्य कि ढेर नॉर्मल स्थिति जहाँ ता धीरे धीरे बढ़िवार लगुच देखिपे कि संपूर्ण भाव में कूल मुआ हूँ ढे एवं पूरी बेलाभूमि जेहेतु बैथिंग जोन सेक्टर कर सबू सेक्टर में विशेष भाव में प्रशासन पक्षर प्राय तीनो टीम गठन कर गोटे से टीम लाइट हाउस रु दिगवाणी पर्यटन आउ गोटे टीम पेठगड़ा पर्यटन आउ गोटे टीम चकत बेलाभूम कटक बेलाभूमि लोकों समागम कमी थी देखा मिली। धन्यवाद अक्षय आप समस्त सूचना। समुद्र भितर को गले कार्यानुष्ठान चेतावनी देखते एसआरसी प्रदीप जेना ट्वीट कर एसआरसी कहते बात्या जो समुद्र अशांत रही तेणु 10-12 तारीख भितर कहीं जदि समुद्र भितर को जाती तेज कार्यानुष्ठान ग्रहण कर जिलापा आक्शन ने बात्या सतर्कता समुद्र भितर को नजाक मत्स्यजीवी मान बारंबार सूचित करामर्श दी प्रशासन पक्ष माइक जगे प्रचार कर सत्वे किसी मत्स्यजीवी यह बेखातिर कर समुद्र भितर को जाशुणी विपद को बरण आगक जदि से हुए तेज से विरोध में कार्यानुष्ठान ग्रहण एसआरसी चेतावनी। बात्या अशानी प्रभाव समुद्र अशांत आर्यपल्ली समुद्र उच्च ढेरे ओलटिला मत्स्यजीवी डंगा डंगे बसी पांच रु अधिक मत्स्यजीवी समुद्र में भासी जाता बेले सुरक्षित उद्धार होती उच्च ढेरे दुईट डंगा भासी जाता बेले तीनो डंगा भांगी जा लक्षाधिक टंकार जाल नष्ट गत अपराह आर्यपल्ली ओलटी मत्स्यजीवी डंगा पुणि जोर धरला श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प को नहीं राजनैतिक बिवाद हाइकोर्टे एएसआई रो सत्यपाठ पर राज्य सरकार को टार्गेट करिसंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपत्र संबित पात्र प्रश्न करिसंती जदि बेआईन भाव में प्रकल्प निर्माण करा जाउ नथिला तेबे काहेकि सरकार बारंबार डीपीआर बदलाउथले राज्य सरकार एनएमए को गोटे डीपीआर देथिबा पारे एएसआई को आउ गोटे डीपीआर काहेकि देथिले जे निर्माण कार्य चली राज्य सरकार पाखे तार अनुमति नथिला बिना अनुमति रे राज्य सरकार परिक्रमा प्रकल्प कार्य करथुबा अभियोग करिसंती संबित पात्र बीजेपी अभियोग कड़ा काउंटर करिछि बीजेडी बीजेडी उपसभापति देवी प्रसाद मिश्र कहिसंती बीजेपी राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र जुक्ति संपूर्ण अवांतर आउ अभियोग पूरा भित्तिहीन राज्य सरकार नियम अनुयायी परिक्रमा प्रकल्प कार्य करुछंती केवल श्रीमंदिर नुहे राज्यर अन्य कीर्तिराजी एवं पर्यटन स्थलगुड़िकर उन्नतीकरण कार्य चली एपरिकी केते जगार एएसआई ए सब ऐतिहस्थल जी ध्यान देवा कथा ताहा देउ नाही बोली अभियोग आनी देवी
जहाँ ये रिपोर्ट जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कहुची कि बारंबार ए डीपीआर को बदला है। थरे एनएमए को गोटे डीपीआर दिया है, एएसआई को आउ गोटे डीपीआर दिया है, काल क्रमे अनेक थर ए डीपीआर रे परिवर्तन है। मुझे पचारे चाहूँगी जदि आपण मन भितरे उद्देश्य ठीक थिला कौन कारण जे आपण एते डीपीआर बदलू थिले? जहाँ अनुमति दरकार आईन अनुसार जहाँ अनुमति दरकार ताहा अनुमति ओडिशा सरकार पाखरे नथिला। बिना अनुमति रे ओडिशा सरकार कंस्ट्रक्शन काम चलेथिला। मु आज पचारुची गोटे ओडिया भावरे बोलियां तुम राजनेता एटा बेआईन कि नुहे? आमर श्रीमंदिर होची नेशनली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, तार चारिकड़े जो 100 मीटर एरिया अच्छी सेटा होची प्रोहिबिटेड एरिया, निषेधात्मक एरिया। ए निषेधात्मक क्षेत्र रे ए प्रोहिबिटेड एरिया रे आपने कोनोसी कंस्ट्रक्शन करी पारिबे नाही? नहीं, सरकार कोनोसी सेवळिया मनोवृत्ति रे नाहंती। श्री जगन्नाथ क्षेत्र एवं ओडिशार विभिन्न पर्यटन स्थली, ओडिशार विभिन्न जोठी आमर एपरिकी एएसआई भी अनेक जगह रे, मु तो जानिछि मो निर्वाचन बले दीटी अछि, ताकू जेतिकी ध्यान देवा कथा ध्यान दिया जाऊन। कोणार्क कथा भी आपण जानी, तेणु तार पारिपार्श्विक उन्नयन किपर हो पार से सरकार अधिका आम भावावेग सहित आम श्रद्धालु मान सहित अधिक फुटफल किभली हो पार एवं आम जीवन जीविकार समृद्धि किभली हो पार एवं आमर जोठी से स्थान गुड़िकर महत्व प्रतिपादित हो पार से केवल उद्यम करा अबांतर अभियोग। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प उपर प्रतिक्रिया रखिछन्ति कांग्रेसर वरिष्ठ नेता तथा विधायक नरसिंह मिश्र। राज्य सरकार नियम न मानि काम जारी रखिबा दुर्भाग्य अटे। गृह कमिटी गठन करा जायथिले मध्ये कमिटी ए पर्यंत प्रकल्प बुली देखिनि। गृह कमिटी प्रकल्प कार्य परिदर्शन करू बोली बाचस्पतिंकु चिठी लेखि अनुरोध करिबि बोली नरसिंह कहिछन्ति। एएसआई स्वीकार करिछि आमे अनुमति देइनु तथापि काम जारी रहिछि। हाइकोर्ट प्रकल्प कार्यकु बन्द करिबा पई निर्देश देबा उचित थिला बोली कहिछन्ति नरसिंह मिश्र। केवल अनुरोध करेंगे बाचस्पति को पुनर्वाद लिखिकी भी देवी आपम भी मुझे तुरंत क्षेत्र परिदर्शन करमिटर जो पावर अच्छी समस्त एविडेन्स रेकर्ड करनेकर्ड करापर सर्वदलय कमिटी जेहेतुटा समस्त मतामत नहीं आईन को अध्ययन कर आईन विशेषज्ञ मानक भी आम नोट करवा दरकार पड़े एडवोकेट जेनेल को भी आम नोट कर। श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प प्रसंगे प्रधानमंत्री हस्तक्षेप दावी करिछन्ति पुरी विधायक जयंत सलंगी। यार समाधान बाट काढ़ मान्यवर लोकप्रिय प्रधानमंत्री आमर प्रिय मुख्यमंत्री दुहे कथा है यार बाट काढ़ प्रोजेक्ट को सारंतु जितेक दिन एक डेरी डेरी करेंगे आहरी क्षति हे आहरी क्षति हे जो भाई भाव अवस्था है बर्षा जदि का पलैस से जो एमआर मठ पाखे गात हो पोखरी खोलाई से पा पूरा बुड़क गोटे आउ गोटे पोखरी होने तेनाली समाधान कर दिंतु एक कोर्ट कचेरी समाधान हो पार ना। परवर्ती खबर को आसवा स्त्री को मारी घरे निया लगाई अभियोग स्वामी को आजीवन कारादंड सुनाई मयूरभंज जिला दोरा जज। 4.5 वर्ष पर स्वामी को दंड मिली 2017 मसीहा नवेम्बर 21 तारीख में मयूरभंज जिला बांगीरीपोषी थाना भुटुर साहिर लालमोहन सिंह तांक पत्नी शांति सिंह को लुहा रड में हत्या कर दुई पिला घर बाहर को नहीं आसी घरे निया लगाई। परवर्त समय बांगीरीपोषी थाना निरे पड़ स्त्रीर मृत्यु होता अभियोग करते बांगीरीपोषी पुलिस अभियुक्त लालमोहन सिंह को आजीवन कारादंडादेश सहित 10,000 टंका जरिमाना कर लालमोहन और पत्नी शांति भलपाई बहुत करते कि परवर्त समय मधे कली झगड़ा होता तेणु अभियुक्त लालमोहन स्त्री को हत्या कर आसामी तार स्त्री को रड लुहा छड़े मारिकी घर भितर पकईदी बाहर को दीटा पिला को लेकिन पलि आसला एवं ता स्त्री को ये निरे पड़ी मरी जा अभोग आजे डीआसिल मारिकी से घर को पोड़ी देता निजक सुरक्षा करने जाकु सुरक्षित रखापी जा घर को पोड़ी यही हिसाब से प्रमाणित करने चाहूला जे सी निरे पोड़ जलिकी मरी जाए कि विभिन्न प्रकार जो साक्षी प्रमाण को भित्त कर जिला जौरा आजीवन कारादंड दंडित कर।
हाईस्कल शिक्षक निजुक्ति में व्यापक दुर्नीति अभियोग गणधारणा देव शिक्षा बंचाओ ओडिशा बंचाओ अभियान घटनार सीबीआई तदंत संघ पक्षर दावी कर अभियोग अनुसार ओएसटीटी पास नक सीबीटी परीक्षा देपारेन निजे नियम बदल सरकार ओएसटीटी परीक्षा फल बाहर पूर्व सीबीटी परीक्षा कराई सरकार जनतर एभली हो परीक्षा परिचालना दायित्व दि जा कंपानी बोर्ड जड़े अधिकारी संपर्क संघ पक्ष अभियोग जो प्राइवेट कंपनी को एग्जामिनेशन करने दायित्व देते से कंपनी उपर पंजाब एवं हरियाणा रा हाईकोर्ट गोटे दुई वर्ष ब्यान लगे और सर्टन अमाउंट रोटे मानने फी गोटे फाइन काटी ओएनजीसी ब्लैकलिस्टेड कर कंपनी को तेणु आम प्रश्न पचारे चाहूँ शिक्षा विभाग एवं बोर्ड को आपत कौ बेसीस से प्राइवेट कंपनी को सिलेक्ट करते एग्जामिनेशन कंडक्ट करने आम एक खबर पाऊँ जो बोर्ड जड़े उच्चपदस्थ अधिकारी रिलेटिव से कंपनी मालिक तेणु एम मधुचंद्रिका भितर छोट पाने जो मैंने आगामी दिन में पिला करेंगे शिक्षानुष्ठान से भविष्य बड़ी पड़ जाए जो कथगुड़ रही है से आसंता का मे 11 तारीख ठार डीएससी अफिस् सम्मुख में अनिर्दिष्ट काल धारणा देक बसबू सीबीआई तदंत हो पिला जस्टिस मिलू।